हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप मिश्रा ऑटोमेटिक प्रभाव की तरफ से आप सभी का स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मेरे वीडियो को पूरी तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे, घर में बैठ के मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी है कि अपने माइंड को सफलता के लिए बनाइए, सफलता के लिए बनाइए। अपने माइंड को सेट कीजिए कि हम केवल सफल होंगे और केवल सफल होंगे। क्रिएट योर माइंड फॉर सक्सेस, क्योंकि जब तक अपने माइंड को क्रिएट नहीं करेंगे सक्सेस के लिए, तब तक आप सफल नहीं होंगे। और जिस दिन आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी, उस दिन आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। पिछले कुछ एग्जाम आ रहे हैं, या पिछले कुछ एग्जामों की बात करें, और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, अगर उनके उनसे बात करने के बाद जो उनको सारा निकला है, उन सभी का एक ही चीज कहना था, अटूट आत्मविश्वास। फिर से, अटूट आत्मविश्वास, निरंतर मेहनत तथा असफलताओं से सीखना इनके गुण थे, और इसी कारण उन लोगों ने सफलता प्राप्त की थी। और आप भी, अगर आप अपने ऊपर अटूट आत्मविश्वास है आपका और निरंतर मेहनत करने का गुण है और असफलताओं से सीखने का गुण आपके अंदर है, तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। तो अब हम फिर इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं नए चैप्टर के साथ, और चैप्टर का नाम है मिश्र समानुपात या कंपाउंड प्रोपोर्शनल। कंपाउंड प्रोपोर्शनल की बात करें, तो कंपाउंड प्रोपोर्शनल का यूज अगर देखें, तो आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन का उपयोग संख्या पद्धति में भी मिलेंगे। संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चन आएंगे, सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन आएंगे, वर्क एंड टाइम के कुछ क्वेश्चन आएंगे, और स्पीच एंड टाइम के कुछ क्वेश्चन आएंगे, जिनको हम यहाँ पर करते हैं। और ये अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, तो ये जो चैप्टर अभी हम बोले हैं, इन चैप्टर को सॉल्व करने में आपको क्या करेगी, मदद मिलेगी। जैसे यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात करें, जब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। करें एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है, तो बाकी टंकी कितने समय में भरेगी, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जैसे समझिएगा, 3/16 भाग, इसका मतलब क्या है? बस इतनी चीज अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन क्या है, टफ है। इसका मतलब है, जो पानी की टंकी है उसकी जो कैपेसिटी है वो 16 के यूनिट की है। 16 यूनिट मतलब 16 लीटर पानी आ रहा है, लेकिन भरा कितना भाग गया है, 3 भाग। समझ में आ रही है? 16 लीटर कैपेसिटी है और 3 लीटर पानी भरा है, और ये 3 लीटर पानी भरने के लिए, 3 लीटर पानी भरने के लिए उसको कितना समय लगता है, 15 मिनट का समय लगता है। 15 मिनट का समय लग रहा है, 3 लीटर पानी भरने के लिए 15 मिनट का समय लग रहा है। तो पूछा बाकी टंकी, बाकी टंकी मतलब क्या हुआ, 16 में 3 हटा दें तो बाकी क्या बचेगा, 13। तो 13 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, ये तो है। अब हमको रिलेशन देखना पड़ेगा, इसका क्या, इसके साथ कोई रिलेशन है, तो पता चला 3 का अगर हम 5 गुना कर दें, 3 का जैसे ही हम 5 गुना करेंगे तो 15 आ जाता है, तो ये इस नंबर का 5 गुना है, तो जो आंसर आएगा वो भी 13 का क्या होगा, 5 गुना होगा। तो 13 का 5 से गुणा कर दें, 13 बचे क्या होगा, 65। तो इस क्या होगा, शेष भाग को भरने में कितने मिनट लगेंगे, 65 मिनट लगेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पे समझा, तो ये बड़े, ये क्या हो गया, हमारे ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब जो पार्ट वाले क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको क्या होगी, बहुत आसानी होगी। ये कॉन्सेप्ट हमको प्रॉफिट लॉस में भी आता है, जब फ्रैक्शन के रूप में आता है तब भी हम क्वेश्चन को लगा लेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये चीज हमारे समझ में, अगर ये समझ में आ जाएगी तो आगे क्वेश्चन में आपको बहुत मदद मिलेगी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने है, कह रहा है यही पार्टी का 4/9 भाग, 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके, तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। तो कह रहा है 4/9 भाग, पहले 4/9 भाग का मतलब समझिए, इसका मतलब पूरी कैपेसिटी कितनी, 9 की, लेकिन भरा कितना भाग गया है, 4 भाग। 9 कैपेसिटी है, भरा कितना गया, 4 भाग। ये 4 भाग जो भरा गया है, इस 4 भाग को भरने में कितने मिनट लग रहे हैं, 1 मिनट का समय लगता है। यहां लिखा हुआ है 4 भाग को भरने में 1 मिनट का समय लगता है। पूछा गया शेष भाग, तो 9 में से 4 हटा दें तो शेष क्या बचेगा, 5। इस 5 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो
तो अब जरा देखिए, चार को अगर हम चार से भाग दे दें तो एक आ जाता है, चार को चार से भाग देने पे एक आता है, इसी प्रकार पाँच को भी क्या करें चार से भाग दे दें, हमारा आंसर आ जाएगा 5/4। तो क्या होगा, शेष भाग को भरने में कितने मिनट लगे, 5/4 मिनट का समय लगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो हम आपसे जरूर कहेंगे वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने लाइक भी किया है सब्सक्राइब किया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी का मूल्य जब 3 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ जाती है, चीनी का मूल्य जब 3 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति 270 रुपये में के बदले 360 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तो एक व्यक्ति को 270 रुपये के बदले 360 रुपये खर्च करने पड़ते हैं चीनी का प्रारंभिक मूल्य। तो ये चीनी में 270 की जगह 360 खर्च करने पड़े, तो 360 और 270 के बीच में अंतर देखिए तो कितना है। इसका मतलब है पहले 270 की चीज थी, अब 360 हो गए, मतलब दाम कितना बढ़ गया, 90 रुपये बढ़ गया। तो देखिए ये 90 रुपये दाम बढ़ा, 90 रुपये दाम बढ़ गया, इसके हिसाब से 270 की चीज प्रारंभिक मूल्य की तरफ 270, बाद में कितना होगा 360 हो गया, कितना बढ़ गया, इन दोनों का बीच का अंतर निकाला तो 90 रुपये आ गया। यहां पे 90 रुपये बढ़ गया और क्वेश्चन के हिसाब से कितने रुपए बढ़ा, 3 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ गया, इसके हिसाब से 90 रुपये बढ़ा और इसका नाम इसके हिसाब से 3 रुपए बढ़ गया। समझ में आ रही बात, तो ये 90 बराबर क्या हुआ, 3 रुपए के बराबर हुआ। अब हमको क्या चाहिए, चीनी का प्रारंभिक मूल्य पहले कितना था 270, तो 270 बराबर हमको चाहिए, 270 रुपए किसके बराबर होगा ये हमको चाहिए। तो अगर हम देखें तो इसको देखें तो ये नंबर अगर हटा दें तो ये इस नंबर का कितने गुना है, 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है, तो ये जो आंसर आएगा वो भी इसका क्या होगा, 3 गुना होगा। अगर 3 का 3 गुना करें तो 9 रुपए आएगा, तो इसका मतलब है जो प्रारंभिक मूल्य होगा वो 9 रुपए हो जाएगा। क्लियर, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना था, 9 रुपए। क्लियर, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 120 मीटर ऊंची मीनार की छाया 18 मीटर है। देखिए यहां पे भाषा लिख रहे हैं 120 मीटर ऊंचे मीनार की छाया 18 मीटर है, तो 15 मीटर ऊंचे खंभे ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए, यह ज्ञात कर। तो अब ये अगर हम देखना चाहें तो इसको क्वेश्चन को कट कर सकते हैं, किससे कट कर सकते हैं, 6 के पहाड़े में कितने बार आएगा, 3 बार आएगा, और ये 6 के पहाड़े में कितने बार आएगा, 6 के पहाड़े में देखिए तो 6 दुनी 12 आएगा 30। अब इसको भी ये दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं, ये इसके पहाड़े में नहीं आता, लेकिन ये 5 के पहाड़े में आ रहा है, कितने बार, 5 के पहाड़े में 4 बार और ये 5 के पहाड़े में 3 बार। तो अब अगर हम पूछें ये 4 बराबर 3 है, क्या 4 3 के पहाड़े में आता, तो आप बोलोगे नहीं। हम पूछेंगे 4 3 के पहाड़े में आता है, इस वाले में रुपये देखें, तो आप कहोगे नहीं। तो हम क्या करें, इस 4 को हटा दें, इसको 1 मान, माना है, ध्यान रखना माना है, है नहीं, तो ये है 4, लेकिन इसको 1 माने तो ये इस नंबर का कितने गुना है, 3 गुना। तो आंसर जो आएगा वो इसका भी क्या हुआ, 3 गुना, 9 लिखेंगे, लेकिन हमें 4 हटाया था, जो हटाया था उससे भाग दो, तो हमारा आंसर, हमने यह जो 4 हटाया था उसको हमने क्या भाग के रूप में लिखा, तो ये इस नंबर का 3 गुना है, तो ये 3 का 3 गुना क्या हुआ, 9, तो 9/2 क्या हो गया, 4, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 9। इसको भाग दे दें, 4 दुनी होगा 8 और 1/4 लिख दें, अगर इस रूप में आंसर है तो ऐसे लिख दो, नहीं तो 2 लिख दो, 1/4 का मतलब होता है 2.25, तो ये लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा 1/4 बराबर होता है 25% और 25% बराबर 2.25 के बराबर होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 1/4 को 0.25 लिख दिया इस तरह से। अगर ये चीज़ आपको डिटेल में समझनी है तो हम आपसे कहेंगे हमारा वीडियो है, प्रतिशत का वीडियो है, जिसमें हमने इसको बहुत ही विस्तार से समझाया, आप उस वीडियो को देखिए तो आपको ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि हम 1/4 को क्यों 0.25 के बराबर लिखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है 45 आदमी किसी काम को 32 दिन में पूरा करते हैं। अब कह रहा है यदि 19 आदमी काम पर और शामिल हो जाए तो काम कितने में समाप्त होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, जब भी आदमी और समय के रिलेशन की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब भी होगा तो आदमियों के साथ दिनों की संख्या में से मल्टीप्लाई, एम के साथ टाइम का कोई भी फैक्टर हो वो मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे फॉर्मूला बनेगा m1t1 = m2t2। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको m1d1 = m2d2 के रूप में पढ़ा हो। अभी हम आपको बताना चाहेंगे क्यों हम m1t1 = m2t2 के रूप में लिख रहे हैं। इसका रीजन हम आपको देने जा रहे हैं क्यों लिख रहे हैं। यहां पर देखिए 45 आदमी किसी काम को, तो हमने देखिए आदमी और काम की बात करा, तो M1 जो D1 लिखा है यहां पे M1 D1 और M2 D2 आपके हिसाब से लिख दिया जो लिखते थे। क्लियर? यहां पे लिख रहा है 45 आदमी किसी काम को 32 दिन में करते हैं, तो M ये फैक्टर है और इसके साथ टाइम का फैक्टर दिन है, तो दिन को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो 32 दिन में पूरा करते हैं। अब कह रहे हैं 45 व्यक्ति तो थे, 45 व्यक्ति थे, यदि 19 व्यक्ति आदमी काम पे और शामिल हो जाएं, तो 19 और शामिल हो गए तो अगर इनको जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, तो 64 आ जाएगा। तो इनको जोड़ दिया 64, तो पूछा 64 आदमी इस काम को कितने करेंगे। समझ आ रही बात? 64 कैसे है, 45 पे 19 जोड़े तो 4 और ये क्या हो 6, तो 64 आदमी इस काम को कितने में करेंगे। तो 32 के पारे में कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2d = 45 है, तो d बराबर क्या 45 का आधा होगा, 45 का आधा क्या होता है 22.5 होता है, तो कितने दिन में करेंगे, 22.5 दिन में पूरा करेंगे। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। करें एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है, तो 1600 व्यक्तियों के लिए, तो 1600 व्यक्तियों के लिए आप बोला है 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिनों के लिए भोजन सामग्री, ये 1600 व्यक्ति हैं और 60 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। अब देखिए आदमी के साथ दिनों की संख्या को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम के फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, और दिन भी क्या टाइम है। सुनिए आ रही है, लेकिन इसमें भाग कितने, परंतु इस कैंप में 1200 व्यक्तियों ने भाग लिया, 1200 व्यक्तियों ने भाग लिया, तो पूछा तो यह खाद्य समय कितने दिन में समाप्त होगी, तो मान लो डी दिन में समाप्त होती, तो डी मान लो, तो ये दो जीरो और दो जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 12 के पहाड़े में कितने बार आएगा, 5 बार आएगा, 12 × 5 = 60। तो यहां पे अगर हम देखें तो 16 के पहाड़े में कितने बार आता है, 16 × 5 क्या होगा, 80, 16 × 5 = 80। तो इसका मतलब है भोजन सामग्री 80 दिन क्या होगी, 80 दिनों में समाप्त होगी। तो आपको बात समझ में आ गया कि m1 d1 बराबर क्या होता है m2 d2, ये बात समझ में आ गई। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के लिए भोजन उपलब्ध है, 20 दिन बाद 50 सैनिक और गए। पहले तो 20 दिन की बात करें, 150 सैनिकों के 50 दिन के लिए भोजन उपलब्ध था, 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन उपलब्ध था 20 दिन बाद, तो ये 150 सैनिकों ने 20 दिन भोजन कर लिया, 20 दिन का भोजन तो खत्म हो गया, तो अब 150 सैनिकों के लिए भोजन कितने दिन के लिए उपलब्ध है, 30 दिन के लिए उपलब्ध है। बात ये बात समझिएगा, ये फैक्टर में हमेशा गलती कर देते हैं कि भोजन उपलब्ध है 50 दिन के लिए और भोजन 20 दिन तक किया जा चुका है, तो अब अगर इनको देखें तो इस पे क्या होगा, रिमाइंडर बचेगा, 30 दिन के लिए भोजन बचेगा, और 20 दिन के बाद क्या हो गया, 50 सैनिक किले को छोड़ के चले गए, तो 150 सैनिकों में 50 चले गए, तो अब बचे कितने, 100 सैनिकों के लिए बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा, तो मान लो डी दिन तक चलेगा, तो डी मान लें। अब ये दो जीरो की बात कर रहा है, तो एक और दो जीरो इस एक और दो जीरो से खत्म हो जाएगा, तो 15 दिन क्या होगा, 45, तो 45 दिन, तो ये बाकी बचा बचा भोजन कितने दिन चलेगा, तो आप क्या लिखेंगे, 45 दिन। अब फिर से हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और सीरियसली पढ़ाई करें और अगर आपने अपने माइंड को क्रिएट योर माइंड
फॉर सक्सेस वाले फॉर्मुले पे पढ़ रहे हैं तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए। जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए, अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कीजिए, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सोल्यूशन को देखिए, आंसर को मैच शुरू कीजिए। समझ आ रही बात? और इस प्रकार अगर कॉन्टिन्यूस अगर आप लगातार करते रहेंगे तो हम आपको विश्वास दे रहे हैं यही क्वेश्चन या इसी से मिलते हुए क्वेश्चन, केवल डिजिट का फर्क होगा, थोड़ी सी लैंग्वेज का फर्क होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। क्योंकि कहते हैं एक एक बूंद से सागर भरता है, तो आपकी एक एक नॉलेज से एक एक क्वेश्चन से आपका क्या होगा, एग्जाम जो होगा इसको बीट करने के लिए सागर जैसा आप विशाल नहीं है, आप क्वेश्चन बैंक तैयार कर लो। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, थोड़ी सी चीज ज्यादा पढ़ते हैं। कह रहा है 60 आदमी 14 दिन में, तो हमने बोला था एम के 60 टाइम वाला फैक्टर क्या होता है, गुणा होता है, तो टाइम वाले फैक्टर को 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करते हैं, मतलब उपभोग करें मतलब खाते हैं, और खाना क्या हुआ इनके लिए काम हुआ, तो ये काम जो आएगा जो वर्क होगा उसको हम क्या लिखते हैं अपॉन की फॉर्म में। आदमियों के साथ टाइम वाला फैक्टर मल्टीप्लाई होता है लेकिन काम करने वाला फैक्टर क्या होता है डिवाइड होता है, इस बात को दिमाग में रखिए। और भोजन करना क्या है एक काम, तो यहां पर क्वेश्चन क्या लिखेंगे 60 आदमी 14 दिनों में 280 किलोग्राम चावल का उपयोग करते हैं, ये टाइम था इससे मल्टीप्लाई है और 280 किलोग्राम चावल का उपयोग करते हैं तो ये उनके लिए काम हुआ, तो काम को हमने क्या लिखा नीचे लिखा। अगली लाइन में क्या कर रहा है 30 आदमी, तो चलिए 30 आदमी, तो 30 आदमी कितने दिनों में, तो कितने दिन नहीं मालूम तो दिन को हम डी मान लें, कितने दिनों में 120 किलोग्राम चावल का उपभोग करेंगे, तो ये आदमियों के लिए 120 किलोग्राम चावल क्या हो गया वर्क हो गया, 120 किलोग्राम चावल खाना मतलब क्या हुआ वर्क हो गया, तो वर्क क्या होगा अपॉन की फॉर्म में आएगा और इसको 120 को हमने नीचे लिख दिया। तो आपने एक चीज देख रहे हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ध्यान देते हुए कर रहे हैं, जो क्वेश्चन कट रहा है उसको कट कर देते हैं। तो पहली चीज देखिए कि ये 30 के पहाड़े में कितने बार आएगा, दो बार आएगा, 14 दिन क्या होता है 28 होता है, ये 28 और ये 28 कैंसिल हो गया बच्चा 10, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, डी बराबर 4, तो अब ये जी इधर गुणा हो जाएगा तो डी बराबर क्या होगा 12 दिन, तो वो क्या होगा कितने दिन क्या रहेगा 30 आदमी कितने दिन के लिए 120 किलोमीटर उपयोग करेंगे, तो 12 दिन में उपयोग। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी और आपके दिमाग में बैठ गई। फिर से कह रहे हैं अगर आपने अभी तक अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है और वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं तो हमको ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अगर पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, और आप कि अगर कोई मांग हो या कोई चैप्टर विशेष पे आपको कोई विशेष तौर से जो देना चाहते हैं तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा आदमियों के साथ जब भी आदमी देखा है तो टाइम के फैक्टर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो टाइम का कोई भी फैक्टर होगा मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई, यहां देखा है 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करता है, तो चावल का उपभोग करता है मतलब चावल को खा रहा है मतलब काम कर रहा है, और काम करने वाला फैक्टर आदमियों की संख्या के साथ क्या होता है डिवाइड होता है, बस इतनी चीज याद रख लीजिए। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो आपको क्वेश्चन ये करने में कोई दिक्कत नहीं हो। फिर से देखिए कि टाइम का फैक्टर आदमियों की संख्या के साथ मल्टीप्लाई होता है लेकिन काम करने वाला फैक्टर क्या होता है डिवाइड होता है, अभी कुछ क्वेश्चन इसके कराएंगे तब उसकी बात करेंगे, लेकिन हम इन चीजों की बात करें। अब यहां पे क्वेश्चन कह रहा है 60 आदमियों के लिए 60 आदमियों के लिए 14 दिन में 60 आदमी 14 दिन में क्या कर रहे हैं 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करते हैं, चावल का उपभोग करना क्या कहला रहा है, कह रहा है चावल का उपभोग करते हैं मतलब वो वर्क करते हैं, और वर्क वाला फैक्टर आदमियों की संख्या के साथ क्या होता है डिवाइड होता है, तो 280 को डिवाइड करेंगे।
ठीक है। दूसरी लाइन कह रहा है 30 आदमी, तो यहां पे दूसरी कंडीशन है, इसलिए इधर से लिखेंगे 30 आदमी कितने दिनों में, कितने दिन में, क्या दिनों की संख्या मालूम है, नहीं मालूम है तो कितने दिनों, तो दिनों की संख्या को हम डी मान लें, तो ये डी हो जाएगा, डी लिख दिया 30/D, कितने दिनों में 120 किलोग्राम चावल का उपयोग करेंगे, तो 120 किलोग्राम चावल का उपयोग करेंगे, तो ये 120 किलोग्राम चावल खाना उनके लिए वर्क है, से आदमी की संख्या के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब हम उनको देखें तो यहां पर 30 के पहाड़े में क्या होता है, ये कट जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 30 दुनी 60 होता है, 0 से 0 क्या करें कट कर दे, तो 4 दुनी क्या होता है, 14 दुनी 28 होता है, 28 एकम 28 फिर कैंसिल हो गया, 12 जाके गुणा हो जाएगा, तो डी बराबर क्या होगा, 12 दिन, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 12, तो ये क्या हुआ, 30 आदमी 12 दिन में 120 किलोग्राम चावल का उपभोग करें। उम्मीद करते हैं ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आ गई है तो आपको समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अगर पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक कीजिए, क्योंकि आपके दोनों प्रकार के कमेंट या दोनों प्रकार की पसंद या नापसंदी हमको क्या करती है, ये हमको उत्साह को बढ़ाते हैं और हम वीडियो को और जोर से हम क्या करेंगे, और मेहनत के साथ और लगन के साथ हम वीडियो को बनाएंगे और आपके समस्त। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कह रहा है 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में एक काम करते हैं। देखिए हमने बोला था M के साथ क्या होगा, समय का जो भी फैक्टर होगा उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसलिए हम टी क्यों लिख रहे हैं कि टाइम फैक्टर की बात कर रहे थे, हम डी की बात नहीं कर रहे थे, हम टी की बात करें, टी मतलब टाइम, और टाइम से रिलेटेड कोई फैक्टर होगा क्या होगा, एम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कह रहा है 20 आदमी 9 घंटे, 9 घंटे का मतलब टाइम है, तो एम के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 12 दिनों में, 12 दिन भी क्या टाइम है, टाइम का फैक्टर एम के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 12 दिनों में एक काम करते हैं, ये बात समझ में आ रही है। दूसरे क्वेश्चन क्या, ये तो उसी काम को 6 घंटे काम करके 24 दिनों में समाप्त करना हो, 24 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में समाप्त करना हो, कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो कितने आदमी नहीं मालूम हो तो इसको एम मान लें। फिर देखिए कितने आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में समाप्त करेंगे, तो एम की वैल्यू पूछिए। अब आपको मालूम है इस क्वेश्चन को क्या करें, तो 12 दुनी क्या होगा, 24 होगा, या 12 दुनी 24, ये नंबर 12 दुनी 24 है, 24 से क्या होगा, कैंसिल होगा। यहां पे देखें तो ये 6m आएगा और यहां क्या बचेगा, 9 और एक 0 बच गया, 90, और ये चीज अगर 6 से भाग दें तो ये कितने बार आएगा, इस नंबर का कितने गुना है, 15 गुना, कितने गुना, 15 गुना, कैसे, 6 कम 6 3 बच गया, 6 बचे क्या होगा, 15, तो कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, 15 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। बात समझ में आ रही है, हम फिर से कह रहे हैं M1D1 की जगह हम उपयोग क्या करें, M1T1। अब ये बात आपको समझ में आ गई कि हमने M1D1 जो आपको मालूम है उसकी जगह M1D1 की जगह हमने M1T1 क्यों लिखा, ठीक है, मतलब टाइम है वो, अगर वो 20 दिन काम कर रहा है, दिन की बात करे, घंटे की बात करे, या सप्ताह की बात करे, ये सभी टाइम के फैक्टर हैं, इसका मतलब क्या है कि दिनों की संख्या आदमियों की संख्या के साथ मल्टीप्लाई होगी, घंटों की संख्या आदमियों की संख्या के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। ये बात समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आ गई तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कह रहा है 7 आदमी 8 घंटे पर दिन काम करके किसी काम का 1/3 भाग 36 दिन में समाप्त करते हैं। तो फिर से लिखिए 7 आदमी 8 घंटे पर दिन काम करके किसी काम का 1/3 भाग, इसको जैसा फिर से समझते हैं, 1/3 भाग, 1/3 भाग मतलब 3 काम था, 3 में कितना काम हुआ, किसी काम का 1/3 भाग, मतलब 3 में 1 भाग काम किया, 1 भाग 3 में 1 काम किया, कितने में, 36 दिन में पूरा करते हैं। देखिए यहां पे 8 घंटे ये समय का फैक्टर है, तो आदमियों की संख्या के साथ गुणा हुआ, 36 दिन भी टाइम का फैक्टर है, इसलिए आदमियों की संख्या के साथ गुणा हुआ, और एक काम, काम करना क्या होगा, आदमी के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा, तो आदमियों की संख्या के साथ एक काम को डिवाइड किया, हो गया क्वेश्चन, ये पहली लाइन समझ में आ गई। अब कह रहा है उसी काम का शेष भाग, 3 में 1 काम हो गया तो बचा कितना, 2, तो कह रहा है शेष भाग मतलब 2 काम, शेष काम या उसी काम का शेष भाग कितने दिनों में, दिन को क्या मान लें, डी मान लें, कितने दिनों में समाप्त होगा, यदि 24 आदमी
आदमी किसी काम को कितने में करें, 6 घंटे में करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो जरा देख लीजिए ये बात क्या कहना चाह रहा है, बात को देखिए। कह रहा है कि 7 आदमी 8 घंटे पर दिन काम करके 36 दिनों में एक क्वेश्चन करते हैं, एक काम का मतलब एक क्वेश्चन करते हैं मान लेते हैं। तो कह रहा है 24 आदमी 6 घंटे पर दिन काम करके कितने दिनों में क्या करेंगे, शेष काम, मतलब यहां पर 3 में से 1 काम हो गया तो 2 क्वेश्चन बचे, तो ये शेष काम कितने में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? अब हम आपसे पूछें कि ये नंबर क्या ये नंबर इसको कट कर देगा, तो हां आप कहोगे ये कट कर देगा। ये 12 के पहाड़े में कितने बार आएगा, तो आप कहोगे 12 के पहाड़े में कितने बार आएगा, तो 12 तीन क्या होता है 36 होता है, ये खत्म हो गया। अब देखिए 8 क्या होता है 24, 8 24 होता है 6 के पहाड़े में 24 कितने बार आएगा, 4 बार आएगा, तो डी बराबर पूछा है, तो डी बराबर पूछा, तो यहाँ पे 7 बचेगा × 4 बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 7 4 क्या होगा 28, 7 6 28, तो 28 दिन तो क्या लगेगा, तो यहाँ पे 28 दिन में काम क्या होगा पूरा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हम उम्मीद करते हैं कि पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और इसको पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे, इस क्वेश्चन को नोट कर रहे होंगे, और पूरी तरीके से आप मेरे नियम को फॉलो कर रहे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एक बहुत अच्छा पार्ट है, पर डे हर वीडियो में हम ये 11 नंबर क्वेश्चन आपको घर को करने के लिए दे रहे हैं, तो इस बार भी हम 11 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे आपको घर के लिए देंगे, और वो क्वेश्चन आप घर से करके लाओगे और उसका आंसर हमको लिख के ज़रूर कमेंट करोगे। तो अब हम अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं घर के लिए, उसका कमेंट हमको ज़रूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 हम आपको घर के लिए देते हैं, क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहे हैं। कह रहा है जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतने ही समय में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है, यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर हो, तो कुत्ते तथा खरगोश की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चालों का अनुपात ज्ञात करिए, और आपको मालूम है चाल बराबर क्या होता है, चाल की बात करें तो दूरी बटे समय के रूप में होता है, और इस रूप में अगर आप करें तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और क्वेश्चन कर सकते हैं। दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय होता है, और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, इसका उपयोग करके आसानी से कर सकते, एक अच्छा क्वेश्चन है, और हमको लगा आपको दें तो नेक्स्ट वीडियो में इसका हम सोल्यूशन भी देंगे, लेकिन अपेक्षा करते हैं कि इसका आप जो क्वेश्चन का सोल्यूशन हमको दोगे, ऑप्शन दोगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर क्या है, पहला ऑप्शन 9/5, दूसरा ऑप्शन है 5/9, तीसरा ऑप्शन है 25/9, और चौथा ऑप्शन है 81/5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 आदमी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिनों में 60% भाग काम करते हैं। देखिए यहां लिख रहे हैं 12 आदमी 9 घंटे पर दिन काम करके 30 दिनों में कितना काम करते हैं 40%, इसका मतलब 100 में कितना भाग काम करेंगे। देखिए 40% को अगर हम करें तो 40% बराबर होता है 40/ क्या होता है 100 होता है, 0 से 0 कट कर दें तो 2 के पहाड़े में 2 बार और 2 के पहाड़े में 5 बार, 40% बराबर 2/5 होता है, 40% बराबर 2/5, तो मतलब 5 में वो कितना काम करते हैं 2 भाग। बात समझ में आ रही है, 5 में 2 काम करते हैं, मतलब 5 में 2 भाग काम किया तो शेष क्या बचा 3 बचा। बात समझ में आ रही है, 5 में 2 काम कर लिया, शेष काम बचा 3, तो शेष भाग को 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में नहीं मालूम तो डी मान ले करेंगे, जबकि पहले समूह के 4 आदमी, जब एक बार ध्यान रखना कि जब आदमियों की संख्या एक बार दे रखी है और उनको अगर दोबारा रिपीट किया जाता है तो इसका मतलब होता है डिवाइड, वो आदमियों की संख्या डिवाइड होगी, तो पहले समूह के कितने आदमी 4 आदमी, तो पहले समूह के पहले 15 आदमी थे, तो सॉरी पहले समूह के 12 आदमी थे, दोबारा रिपीट करोगे तो इसको करेंगे बटे 4। बात समझ में आ रही है, पहले समूह के 12 आदमी थे, उनके पहले समूह के फिर से की बात की 4 आदमी की, तो इसका मतलब फिर से डिवाइड कर दो, फिर से आए तो पहली बार में आया तो ऊपर आएगा, दोबारा में आएगा तो नीचे आएगा। पहले समूह के 4 आदमी किसके बराबर निश्चित समय उतना ही काम करते हैं जितना कि दूसरे समूह के 3 आदमी, तो दूसरे समूह के 3 आदमी मतलब 3 को इधर डिवाइड कर दो। ये बात समझ में आ रही है, अगर समझ में आ रही तो आगे क्वेश्चन की बात करें।
जब देखते हैं सॉल्यूशन की बात करें तो यहां पे देखें तो अगर हम देखिए 15 छक्का क्या होता है 90 होता है और ये 0 इसको दे दें तो 90 हो जाएगा, तो ये पूरा क्या होगा कैंसिल हो गया। चार के पहाड़े में देखिए कितने बार आएगा, चार के पहाड़े में कितने बार आएगा तो 4 × 3 = 12 आ जाएगा, तो डी बराबर क्या हुआ, ये नंबर 3 × 3 = 9 होगा, ये भी 3 × 3 = 9 होगा, तो 9 का 9 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 81 होगा, 81/2 होगा, तो इसका मतलब ये अगर ये 80 होता तो 40 लिखते, लेकिन 81 है तो क्या होगा 40 से ही 1/2, तो 40 से ही 1/2 दिन में क्या करेगा वो पूरा करेगा। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन इसलिए नहीं कि क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर ये जो लैंग्वेज द्वारा देखिए कि पहले प्रकार के चार व्यक्ति उतने ही काम करते हैं जितने कि दूसरे प्रकार के दूसरे समूह के 3 व्यक्ति काम करते हैं, और ये लैंग्वेज थोड़ा सा टिपिकल बना देती है, इसलिए हम इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए एग्जाम्पल और बात करेंगे। चलिए अब इस प्रकार के एक क्वेश्चन की और बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन चलकर 6 मैट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। तो पहले लिखा 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन चलकर कोयले की खपत करना, मतलब काम करना हो गया, वो काम करना आदमियों के साथ क्या होता है, काम करने में जो भी काम होगा उसको आदमियों की संख्या से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कितनी खपत कर रहा है तो 6 मैट्रिक टन ये काम करना होगा इसलिए इसको डिवाइड किया, ये पहली कंडीशन हो गई। फिर दूसरे प्रकार के 6 इंजन, दूसरे प्रकार के 6 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, 9 घंटे प्रतिदिन कितने मैट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे तो नहीं मालूम है, इसको एक्स मार दें। ये दूसरे प्रकार के 4 इंजन, ये पहले प्रकार का इंजन की बात हो रही है, दूसरे प्रकार के इंजन पहले देखिए एक बार 6 इंजन दे चुके थे, दोबारा फिर दे रखा है, सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो दूसरे प्रकार के 4 इंजन उतना ही खपत करते हैं जितना कि पहले प्रकार के 3 इंजन, तो पहले प्रकार के 5 इंजन दे रखे थे दोबारा रिपीट हुआ इसलिए इसको नहीं चलेगा, समझ में आ गई। 9 के पहाड़े की अगर हम बात करें तो 9 के पहाड़े में ये 6 × 18 होता है, 9 से कट कर दे तो 2 आ जाएगा, और 2 से इसको कट करें तो 2 नहीं क्या होगा 4, और 2 से इसको कट कर सकते हैं तो 2 से जैसे कट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 समझ में आ गया, तो अब कुछ बच नहीं रहा है, इसके इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा 5x आएगा, 5x = 27 हो गया, तो x की वैल्यू दिया। जब भी किसी को अगर हम इस नंबर की बात करें, जब भी आपको लगे किसी नंबर को 27 है और उसको 5 से भाग देना है, तो हमने आपसे बोला है, अक्सर बोला है कि 5 से भाग मत दीजिए, 2 से केवल गुणा कर दीजिए, और एक संख्या डेसिमल है, 2 × 7 = 14 एक हासिल 2 × 3 = 4 और 1 = 5 होगा, और एक संख्या डेसिमल लगा दीजिए तो ये क्या हो 5.4 होगा, या आप भाग दे दीजिए, अगर आपको समझ नहीं आता तो भाग दीजिए, 5×25 बचेगा 2 बच जाएगा, 2 बचेगा दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 5 × 20, तो 5.4 मैट्रिक टन कोयले की खपत करेगा। उम्मीद करते हैं अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताए होंगे आपको पूरी तरीके समझ में आ गए होंगे, और समझ में ही नहीं आओगे आपके दिमाग में भी बैठ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, की फैक्टर है, जैसे समझ रहे साइकिल होती है, साइकिल में क्या होते हैं कलपुर्जे होते हैं, और कलपुर्जों को अगर आप ढंग से उपयोग करना आता है तो आपकी साइकिल सलामत रहेगी, अगर कलपुर्जे एक भी कलपुर्जे हट जाता है तो साइकिल अच्छी सी अच्छी साइकिल बेकार हो जाती है, इस प्रकार कलपुर्जे के तरीके से काम करेंगे और हर चैप्टर में इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। से इन चैप्टर को बहुत ही ईमानदारी से पढ़िएगा, लगन से पढ़िएगा और खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, या आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 10 मजदूरों के 15 दिन की मजदूरी 1800 रुपए, तो यहां पे M1D1 वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो 10 मजदूरों के 15 दिन की मजदूरी है तो 10 × 15 करेंगे, मजदूरी कितनी 1800 रुपए, ये 1800 रुपए मजदूरी है, मतलब इसकी कमाई है, मतलब मेहनत है, इसे मेहनत या वर्क को हम क्या करेंगे नीचे लिखते हैं, ये बात समझ में आ गई। अगले पॉइंट पे कह रहा है 12 मजदूरों की 8 दिन की मजदूरी, तो 12 मजदूरों के 8 दिन की मजदूरी कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया, तो अब क्या करें 0 से 0 क्या करें कैंसिल कर दें, ये 15 के पहाड़े में आता है, ये एक बचा 15 के पहाड़े में, 15 एकम 15 आएगा, 15 के इसको भाग दे 15 एकम 15, 3 बचेगा 15 × 30 हो जाएगा, तो 12 बचा तो इसको इससे गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, इसका इससे गुणा करेंगे तो 12 का 12 से गुणा क्या होगा, ये 12 ठीक क्या होता है 96 होता है, ये लिखें और ये 12 इधर गुणा हो जाएगा, एक्स बारह भाई इसको गुणा कर दें तो 12 क्या होगा 72 × 2 हो जाएगा, 7 हासिल होगा, 12 × 9 = 108 होता है, 108 में 7 जोड़ दें 115 हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 1152 रुपये उनकी क्या होगी मजदूरी हो जाएगी।
उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो फिर से हम यहाँ पे आपसे क्या कह रहे हैं, एक ही चीज़ कह रहे हैं, क्रिएट योर माइंड फॉर सक्सेस, क्रिएट योर माइंड फॉर सक्सेस। केवल एक ही चीज़ याद हो कि अपना आपका माइंड सफलता के अलावा कुछ भी मत सोचे। अगर जब भी करेगा क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन लगा रहा है तो उसके दिमाग में ये चीज बैठ जानी चाहिए, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी, इससे हम उसको बहुत ही मन से करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए ये क्वेश्चन को आएगा। और जब ये भावना आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो आपको कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जो आपका ना निकले। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है किसी फैक्ट्री में 30 मजदूर 20 दिनों में 12,000 रुपए कमाते हैं। तो 30 मजदूर 20 दिनों में तो मजदूर के साथ दिनों की संख्या मल्टीप्लाई होती है, रुपए कमाता काम है इसलिए क्या होगा, डिवाइड होगा। तो क्या करेंगे, 12,000 रुपए कमाते हैं इसलिए डिवाइड किया। अगली लाइन कह रहा है 36 मजदूर कितने दिनों में क्या मालूम है कितने दिन, तो हमने मान लेते हैं नहीं मालूम है तो डी, कितने दिनों में मतलब डी दिनों में 18,000 रुपए कमाएंगे। ये क्वेश्चन है और ये बात देखते हैं कैसे करें। तो ये क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब इसको देखें तो 3 दुनी क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन अगर हम इसको 2 दे दें 2 इसको जैसे देंगे तो 12 पंचे क्या हो जाएगा 60 और 1 जीरो बढ़ा दे तो 50 हो जाएगा। ये 18 दुनी कितना होता है 36 हो जाता है, तो 2D बराबर किसके हो जाए के 50 के हुआ, तो D बराबर क्या हुआ 25। तो कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 25 दिनों में वे क्या करेंगे 18,000 रुपए कमाएंगे। अब ये हमारा चैप्टर, ये हमारा मिस समानुपात की पहली यूनिट हमने क्या की है, खत्म की है। और एक क्वेश्चन हमने आपको घर से करने के लिए दिए है, वो क्वेश्चन आप करेंगे और उसका आंसर हमको देंगे। फिर से कह रहे हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक कीजिए। और आपके दोनों ही प्रकार का जो इसमें मिल रहा है लाइक या डिसलाइक दोनों ही हमको प्रेरणा देते हैं और हमको काम करने के लिए तत्पर बनाते हैं। दूसरी चीज हम आपसे जरूर कह रहे हैं कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो पेन और कॉपी लेके ही बैठिए, नहीं तो ये वीडियो आपके लिए सरल वीडियो जैसा ही होगा और कुछ काम नहीं आएगा। आप जिस जगह से चले थे वहीं पर आप खड़े होंगे। अगर अभी आपने हमारे पुराने वीडियोज नहीं देखे हो तो आप वीडियोज को देखिए, पुराने वीडियोस में आपको इस प्रॉब्लम के क्वेश्चन या एवरेज के क्वेश्चन पुराने वीडियो में दिख जाते हैं, उनसे हिंट जरूर लेते रहिए। परसेंटेज के क्वेश्चन देखें तो देखिए परसेंटेज हम किस प्रकार निकाल रहे हैं, किस प्रकार हम उसको दिखा रहे हैं, तो आपको ये क्या करेंगे बेनिफिशियल होंगे आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए। और आने वाले एग्जाम लाइन से लगे हुए हैं इसलिए MTS का पेपर, बहुत सारे लोगों का MTS का पेपर लगा हुआ है, इसके बाद ग्रुप डी का पेपर लगा हुआ है, तो ये पेपर किसी का एयरफोर्स का पेपर लगा हुआ है, तो ये जो पेपर लगे कॉन्टिन्यूस लगे हैं अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इस पर लगातार ये सभी क्वेश्चन आपके लिए क्या होंगे आने वाले एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं इस समय ना, फिर आपके अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।